हेलो स्टूडेंट्स, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन का प्रीवियस पेपर लेकर आई हूँ 2022 का, जो लीक हुआ है। तो मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया था, अब मैं इस वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेना। और इस वीडियो को ये जो सॉल्यूशन है आप इसको जरूर देखें, क्योंकि आपने देखा होगा केमिस्ट्री के भी पेपर में काफी क्वेश्चन पिछले लीक हुए पेपर में से आए थे, तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। तो आप इस ये जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, इसको ना छोड़कर जाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फोर वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हम इसे लिख भी कैसे लिख सकते हैं, हम वी कैन रिटर्न एस, हम इसे लिख सकते हैं कैसे, डी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स की हम डी अपॉन डी एक्स इक्वल क्या कर लेंगे, कैपिटल डी। तो डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस 4 और यहाँ y कॉमन आ गई, तो y फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन इज। तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जिधर जिधर d है उधर हम m रखते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल जीरो, जीरो के इक्वल रख देते हैं। अब हम इसके m की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए, तो m माइनस टू का स्क्वायर इक्वल जीरो, तो m इक्वल टू कॉमा टू, हमारी m की वैल्यू 2.2 निकल कर आई है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ में सी वन प्लस सी टू, जब दोनों रूट इक्वल होते हैं, जो एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट निकल के आते हैं वो अगर दोनों इक्वल होते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सी वन प्लस सी टू एक्स ई पे एम एक्स। तो m की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, तो हम 2 कर देंगे सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर 2x। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पी आई निकालते हैं। तो पी आई इक्वल 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, ये वाला लिख लेंगे, और फिर इधर साइड के ये वाला है इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये तीन पार्ट में है, तो आप इसे एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कि आप अलग अलग करें, अच्छा लगेगा। तो हमने ये क्या कर लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में कर लिया है, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। हम पहले पी वन की वैल्यू निकालेंगे, फिर पी टू की वैल्यू निकालेंगे, फिर पी थ्री की वैल्यू निकालेंगे, और तीनों को जब एड करेंगे तो टोटल पी आई की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले पी वन निकालते हैं। पी वन क्या है हमारे यहाँ, व्यय पी वन इक्वल पी वन क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए पी वन ये वाला लेंगे सिर्फ, तो पी वन इक्वल वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, केवल और केवल एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। फिर क्या करेंगे, ये हमारा d माइनस टू का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो ये कर देंगे डॉट एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, हम यहां से माइनस टू कॉमन ले लेंगे स्क्वायर के अंदर ही, तो माइनस के टू कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया, इधर बचेगा हमारा वन और इधर बचेगा माइनस के डी वाई टू कॉमन लेने के बाद। तो फिर हम यहाँ माइनस टू के स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, तो ये प्लस का फोर बाहर निकलेगा, तो यहाँ वन इधर पीछे लग दीजिए इस एक्स स्क्वायर को, फिर वन अपॉन फोर वन माइनस डी वाई टू, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टू हो जाएगी डॉट एक्स स्क्वायर। फिर हमने ये फॉर्मूला खोला है वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम ये पुट कर रहे हैं वन अपॉन फोर वन प्लस टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये है, तो जब हम 2x करेंगे तो 2 इंटू डी बाई टू, तो कितना बचेगा ओनली ऑन d, तो ये d। फिर क्या है हमारा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो 3 और x स्क्वायर की वैल्यू x हमारे ये है,
तो डी स्क्वायर बाई फोर, तो यही आ गया 3/4 डी स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर। फिर हम एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ये d है, जब d डॉट एक्स स्क्वायर, तो x का हमें डिफ्रेंशिएट करना है वन टाइम, तो वन टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहां पर हमें दो बार करना है, तो यहां पर दो बार करेंगे तो ओनली वन 2 बचेगा, तो 3/4 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो 3/2। ये हमारा P1 निकल कर आ चुका है, फिर हम निकालेंगे P2। तो P2 के लिए हमने क्या किया है, 1/d² - 4d + 4.ex, ये देखिए आप ex ये हमने निकाल लिया है। अब ex के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद cos 2x के लिए निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ex के लिए जब हम निकालते हैं तो a की जो वैल्यू होती है उसको d की जगह पर रख देते हैं, तो यहाँ 1 है, तो d की जगह पर हम कितना पुट कर देंगे 1, तो ex 1² - 4 + 4, 4 से 4 कट हो जाएगी, तो ex आ जाएगी। ये हमारा p2 निकल कर आ गया है, फिर हम इसके बाद हम p3 निकालेंगे। तो p3 हम कैसे निकाल, p3 यही है, आप यहाँ पर आप देखिए ये p3 क्या है हमारा, cos 2x है, तो ये उतार लेंगे डॉट cos 2x, यही कर लिया है देखिए हमने। फिर जब cos के फॉर्म में आता है तो डी स्क्वायर, यहाँ पर d² = -k² लिखते हैं, तो पुट कर दिया हमने डी स्क्वायर की जगह -k² - -k² 2 का स्क्वायर, फिर -k 4d + 4। तो जब ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 - 4d + 4/1 cos 2x, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, तो ओनली ऑन -k 4d बचेगा, तो -k 1/4d cos 2x। इसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वल -k 1/4 cos 2x dot tx, क्योंकि अगर अपॉन में d होता है तो उसका मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन करना, अगर 1/d² होता है तो उसका मीन्स होता है दो बार इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ पर ओनली ऑन 1/d है, तो इसका मतलब है एक बार इंटीग्रेशन करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे -k 1/4 cos 2x dot dx, तो cos 2x का क्या होगा, sin 2x/2, तो ये हमने कर दिया sin 2x/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे -k 1/8 sin 2x, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये हमारी P1, P2 और P3 की वैल्यू निकल आई है, तो टोटल PI हमारी कितनी हो जाएगी, P1 + P2 + P3, तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी, ये वाली P1 की इसको ऐड करेंगे प्लस P2 की वैल्यू EX प्लस P3 की वैल्यू -k 1/8 sin 2x, तो ये हमने तीनों ऐड कर लिए हैं, तो ये हमारी टोटल PI निकल कर आ गई है। फिर इसके बाद जो टोटल सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है y = cf + pi, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना निकल कर आया था, देखिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल कर आया था c1 + c2x dot e2x, तो वही हमने यहाँ पुट कर दिया है y = c1 + c2x dot e की पावर x, प्लस फिर क्या बोल रहा है हमारा, प्लस pi, और pi की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी, pi की हमारी ये टोटल वैल्यू निकल कर आई है, ये पुट कर दिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट, ये हमारा आंसर है, देख लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है t² + 2py cot x = y², तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे पेपर से पहले, उसमें मैंने आपको इसका सॉल्यूशन कराया है, तो आप वहां से जाकर देख लेना, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।